रीडिंग चैप्टर 5 कलर्स इन नेचर ऑफ क्लास थर्ड प्रकृति के कलर। व्हाइट इज द स्वान, व्हाइट इज द डक। हंस सफेद होता है और डक भी सफेद होता है। ब्लैक इज द नाइट, ब्लैक आर द क्रोज। रात काली होती है और कौवे भी काले होते हैं। ब्लू इज द स्काई, ब्लू इज द सी। आसमान नीला होता है और समुद्र भी नीला होता है। ग्रीन इज द ग्रास, ग्रीन आर द ट्रीज। घास भी हरी होती है और पेड़ भी हरे होते हैं। येलो इज द लीफ, येलो इज द मून। पत्ती भी पीली होती है और चंद्रमा भी पीला होता है। हाउ मैनी ब्लूज, हाउ मैनी ग्रीन। कितने नीले हैं और कितने हरे हैं। टेल मी सून, टेल मी सून। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। दिस शॉर्ट पोयम डिस्क्राइब्स द ब्यूटी नेचर एवरीवेयर वी सी नेचुरल ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट कलर्स। सो नेचुरल सराउंडिंग ऑलवेज लुक ब्यूटिफुल एंड गे। यह एक इसमें एक छोटी कवि ने छोटी कविता का वर्णन किया है जो प्रकृति से जुड़ी है। प्रकृति बहुत ही सुंदर है। सभी जगह, हर जगह हम देखते हैं नेचुरल ऑब्जेक्टिव। प्राकृतिक चीजें अलग अलग कलर की होती है, प्राकृतिक चीजें अलग अलग कलर की होती हैं, ये हम प्रकृति में देखते हैं। सो नेचुरल, इसलिए प्राकृतिक चीजें हमेशा ब्यूटीफुल और समलैंगिक दिखती हैं। तो हम इसे वापस एक बार रिपीट करते हैं। इसमें 5 कलर बताए गए हैं, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो। व्हाइट यानी सफेद, ब्लैक यानी काला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला। और कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे? स्वान, डक। स्वान और डक कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के। और नाइट, क्रो। नाइट और क्रो दोनों कैसे कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के। स्काई, सी। स्काई और सी यानी आकाश और समुद्र कैसे कलर के होते हैं? नीले कलर के। ग्रास, ट्री। घास और पेड़। ग्रास यानी घास, ट्रीज यानी पेड़, बहुत सारे पेड़ कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर यानी कि हरे कलर के। लीफ, मून। लीफ यानी पत्ते, मून यानी चंद्रमा। किस तरह के होते हैं ये? येलो कलर के होते हैं। तो हम हमारे आसपास में प्रकृति में बहुत से कलर हैं, बहुत सी चीजें हैं जो प्रकृति के अलग अलग रंगों में रंगी हुई हैं। तो आप देखेंगे कि प्रकृति में हर तरह के पेड़ होते हैं, जानवर होते हैं, आकाश नीला होता है, पानी भी नीला होता है। इस तरह के अलग अलग कलरों से, रंगों से प्रकृति रंगी हुई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग्स। यहाँ पे ये करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे स्पेलिंग्स दे रखे हैं, इनको करेक्ट करना है। गलत स्पेलिंग्स दे रखे हैं, इन्हें हम सही करेंगे। यहाँ दे रखा है CALOUR जो कि गलत है। अब हम सही लिखेंगे यहाँ पे COLOUR कलर। कलर यानी रंग। यहाँ पे है GARDUN, ये यू नहीं आएगा इसमें, ये गलत है स्पेलिंग। GARDEN
गार्डन यानी कि बगीचा बोलो, मैदान कहते हैं। यहाँ पे है PLAESE जो कि गलत है स्पेलिंग, ये होगी PLEASE। प्लीज कृपया। नीचे है चिल्ड्रन, CHILDRUN, ये स्पेलिंग गलत है, इसे सही करेंगे CHILDREN, चिल्ड्रन। क्या है SUDEMLY, इसको सही करेंगे SUDDEMLY, सडनली। सडनली यानी अचानक। फॉरेस्ट FORUREST, ये की गलत है, इसे सही करेंगे FORESTE, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी जंगल। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द गिवन वर्ड्स। ए चिकन इज द यंग वन ऑफ ए हेन। ए कप इज द यंग वन ऑफ ए लायन। द यंग वन ऑफ ए डॉग इज कॉल्ड, डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, पपी, PUPPY। ए लैम इज द यंग वन ऑफ ए शिप, SHEEP, शिप। द यंग वन ऑफ ए काउ इज कॉल्ड ए काल्फ, द यंग वन ऑफ ए फ्रॉग इज कॉल्ड ए टैडपोल। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे ये वर्ड्स दे रखे हैं और यहाँ पिक्चर दे रखी है, इन्हें देखकर हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने। शी इज क्या कर रही है, ये बकेट में पानी डाल रही है, तो शी इज टॉरिंग, PURING, प्योरिंग वाटर इन द बकेट। द हॉर्स इज नेगिंग, NEIGHING, नेगिंग लाउडली। हॉर्स जोर से हिंज ना रहा है। मेघना इज क्या कर रही है, ये स्मेलिंग, SNELLING, स्मेलिंग ए फ्लावर। मैग्ना फूल को सूंघ रही है। द बॉय इज प्लकिंग, PLUCKING, प्लकिंग लीव्स। ये लड़का पत्ती को तोड़ रहा है। द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग मिल्क। बच्चा दूध पी रहा है। इसमें अब एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे थे और यहाँ पिक्चर दे रखी थी, तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स इनके द्वारा इसमें फिल
किया और उनको समझा गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।